आज देश भर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं इंदौर में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद आदर्श है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, इससे मुझे रोजाना नए काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बच्चों से कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो अमृत का पुत्र है, ईश्वर का अंश है, अमर आनंद का भागी है, अनंत शक्तियों का भंडार है। स्वामी विवेकानंद, उनको मैं बचपन से पढ़ता रहा हूं और आपसे भी प्रदेश के इंदौर के सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए विवेकानंद साहित्य जरूर पढ़ना। विवेकानंद जी को किस किस ने पढ़ाया, जरा हाथ उठाओ। कई लोगों ने पढ़ा है, लेकिन बाकी भी जिनने नहीं पढ़ा जरूर पढ़ना। और मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और उनका साहित्य मुझे काम करने की नई प्रेरणा देता है। उन्होंने पहली चीज जो बताई जो हमको सीखना चाहिए कि तुम कौन हो। बताऊं तुम कौन हो? अरे बताऊं कि नहीं बताऊं? इधर वालों को भी बताऊं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, तुम अमर आनंद के भागी हो। और उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम ना कर सको।